नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रोडकास्ट 24 ट्वेंटी फोर और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है 1810 एकड़ किसान जमीन के किसान जो काफ़ी आक्रोशित हैं आक्रोशित क्यों हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि पिछले संडे दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक महापंचायत हुई थी किसान महापंचायत महा जहाँ पर किसानों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया था जहाँ पर किसान आसवास ये था उन्हें कि एसडीएम आएंगे मुख्यमंत्री आएंगे हमारी बातों को सुनेंगे हमारी दलीलों को सुनेंगे लेकिन वो काफ़ी समय से वहाँ बैठे रहे सिर्फ इसी भरोसे कि वो आएंगे लेकिन हुआ क्या कि कोई नहीं आया आखिर में आए तो एसडीएम, और एसडीएम कौन आए वो भी मैं आपको बता देती हूँ रविंद्र यादव रविंदर यादव एसडीएम हैं उन्होंने आकर किसानों को झूठा आश्वासन दिया और कहा कि हम आपकी मांगों के बारे में सोचेंगे आपकी जो दलीलें हैं उनके बारे में सोचेंगे आपने यहां जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसको शांतिपूर्वक बनाए रखें और अपने आराम से घर लौट जाए अब हुआ क्या कि ये झूठा आश्वासन निकला पिछले संडे की बात थी ये आज संडे आ चुका है नेक्स्ट संडे कल है लेकिन अभी तक इनके पास ना कोई चिट्ठी आई है ना कोई नोटिस आया है ना ही किसानों से संपर्क किया गया है अब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है वही किसान जो काफी आक्रोशित है काफी गुस्से में है अपनी मांगों को रखने के लिए अपनी बातों को कहने के लिए क्योंकि इनके पास किसी का कोई भी जवाब नहीं आया है अब मैं बात करने जा रही हूँ जो गांव के किसान है पटवारी साहब हैं उनसे कि उनका क्या कहना है सर आपका नाम महेंद्र पटवारी मेरा नाम है का महेंद्र पटवारी लास्ट संडे को बातें हुई थी वहाँ पर एसडीएम रविंदर यादव आए थे तो उनका क्या कहना था उनका ये कहना था कि भाई हम एक हफ्ते में सीएम साहब से आपकी मीटिंग करा देंगे ठीक है डेट उन्होंने दी नहीं थी पर आज तक हमारे पास ना कोई चिट्ठी आई है ना कोई मेल आया ना कोई संपर्क साधा हमारे से उन्होंने कहा तो था कि एक सप्ताह का टाइम दीजिए तो उसका क्या हुआ एक सप्ताह का टाइम दिया था जी संडे को दिया था सैटरडे हो गया एक वीक हो गया हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अब आप क्या कहना चाहते हैं अब हम ये कहना चाहते हैं मंडे को हम बहुत बड़ा एक्शन लेंगे और हमने जो एक अपनी समिति बनाई किसान खाप संघर्ष समिति बनाई है हुँ. ताकि हम उसके से बीस हजार लोगों से हम संपर्क साध चुके हैं और उनको सबको इन्वाइट करेंगे मंडे को आए हुँ. और मंडे को हम कोई बड़ा स्ट्रिक एक्शन लेंगे हाँ जी जी तो हुँ. इनका कहना है कि अभी तक कोई खबर नहीं ली है सिर्फ झूठा आश्वासन दिया गया है अब मेरे साथ और भी अन्य किसान हैं उनसे भी जान लेते हैं कि उनका क्या क्या कहना है है और उनकी आगे की रणनीति सर आपका नाम मैं राजेश कुमार मोकड़वा किसान जी तो SDM ने जो आश्वासन दिया उसको लेकर आपका क्या कहना है मैडम एस डी एम ने बिल्कुल झूठा आश्वासन दिया किसानों को गुमराह किया जा रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए SDM? और ऐसा क्यों किया जा रहा है ये बार बार इनका तो धोखे वाली बातें हैं कि इतनी महंगी जमीन को सस्ते में ले रहे हैं और झूठ झूठ बोल के किसानों को गुमराह कर रहे हैं ये इनका बिल्कुल अन्याय तरीका चल रहा है तो आपको क्या लगता है इसके पीछे आ, किसी और का भी हाथ है हाँ सरकार का पूरा हाथ है जी झूठ बोलने के लिए प्रशासन को आगे करते हैं और प्रशासन झूठ बोल के जाता है एक बार एडीसी आए थे बोले सीएम से मीटिंग कराएंगे एक हफ्ते का टाइम दे दो उसने भी कोई हमें जवाब नहीं दिया हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया इच्छा मृत्यु के लिए उनका भी कोई जवाब नहीं आया अभी एसडीएम डी रविंदर यादव पंचायत हमने इकट्ठी एक, एक पंचायत की थी पचगांव चौक पे तो रविंदर यादव जी आए थे उन्होंने कहा कि एक सप्ते में आपका सोल्यूशन कर देंगे हम मीटिंग कराएंगे सी साहब से लेकिन उनकी झूठी बातें निकली हम तो इनकी झूठ बोलने से बड़े परेशान हो चुके हैं हमारी ज़मीन भी ले रहे हैं झूठ भी बोल रहे हैं बिल्कुल किसानों को ख़त्म करने पे तुल रहे हैं हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है जी। जब पिछले संडे वहाँ पर प्रदर्शन किया गया किसानों के साथ बातचीत हुई एसडीएम भी आए और तो वहाँ पर जो निष्कर्ष निकला वो क्या था वो सिर्फ झूठा आश्वासन था या इसके अलावा भी कोई और रणनीति थी नहीं जी नहीं बिल्कुल झूठा आश्वासन है उसमें अब तक तो कोई रिप्लाई नहीं एक सप्ते का टाइम लेके गए थे हमारी पंचायत में सबके सामने मीडिया भी थे वहाँ सभी थे तो उनके सामने बोल के गए एक सप्ताह में हम आपका सलूशन करा देंगे मीटिंग कराएंगे सीएम साहब से लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया और हमें अब... हमारी उम्मीदें भी हट चुकी है जी सरकार से क्योंकि कई बार झूठ बोल चुके हैं डीसी से लेके एडीसी एसडीएम सब झूठ बोलते हैं और ऐसे हमें फेल करने के उसमें है इनका तरीका सही नहीं है तो अब आगे का क्या है विरोध प्रदर्शन फिर से किया जाएगा सड़कों पे उतरा जाएगा या आगे की कुछ और नई रणनीति आपकी अभी हम प्रोसेस में चल रहे हैं हमने दक्षिण हरियाणा किसान खाप बनाई है रजिस्टर करा लिए अब हम ने दिल्ली बॉर्डर से लेके और गोद बढ़ावा तक दक्षिण हरियाणा का पूरा क्षेत्र कवर करेंगे सबको इकट्ठा करेंगे और सबको अपनी समस्याएं बताएंगे कि सरकार हमारे साथ ये अन्याय कर रही है और इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आगे क्योंकि इस तरह से हम काफ़ी परेशान हो चुके हैं तो अगर ऐसा आप करते हैं तो उससे क्या लगता है आपको कोई हल निकलेगा पता नहीं जी अभी हमें तो उम्मीद नहीं है क्योंकि सरकार इतने अडियल रवैया हमने ऐसी सरकार का कभी नहीं देखा कोई इतना अडियल रवैया नहीं करते कि 90 लाख में या पचपन लाख के एक्वायरमेंट और पुराने अठारह सौ के कानून से और 2011 के टाइम का मुआवजा दे रहे हैं ये बिल्कुल अन्याय है और गलत है तो जो मनोहर सरकार है मनोहर खट्टर सरकार है वो उनका क्या कहना है कि आपकी दलीलें सुनी अभी तक या सिर्फ उ, उस साइड से सिर्फ सरकार अधिकारियों को भेज देती है और आगे कुछ कार्रवाई नहीं होती विरोध प्रदर्शन चलते हैं आप उनको उनको रोक दिया जाता है अब मान लीजिए जब पिछले सप्ताह विरोध प्रदर्शन चल रहा था तो उस वक्त जब शांति से आप लोग घर जा रहे थे तो उस बीच क्या हुआ था बताइए मैडम हम मनोहर लाल सीएम साहब से हम मिले हैं उनसे कई बार मिल चुके हैं लेकिन वो भी हमें ऐसी झूठी लॉलीपॉप देके भेज बेच देते कभी कहते हैं कि सरकार का कर्जा उतारेंगे इस जमीन से ये जमीन हमारी हो चुकी है और हम तुम्हारा समाधान करेंगे मंदे ऐसे भी वो भी झूठ बोल रहे हैं कि हम आपका कुछ नुकसान ज़्यादा हो रहा है इसको हम सही करेंगे लेकिन करना धरना कुछ नहीं है खाली जुबानों से करते हैं बाकी किसानों की तरफ बिल्कुल कोई सोच नहीं है सरकार की तो डी के ऑफिस में आप लोग गए थे वहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया तो उसके बाद कोई कार्रवाई हुई कोई कार्रवाई नहीं हुई जी आज तक कोई रिप्लाई नहीं कोई इनसे इन किसानों से कोई बातचीत नहीं हुई कोई मैसेजिंग नहीं हुई कि किसी तरह कोई बात नहीं है चलिए इन्होंने भी इनका भी यही कहना है कि तमाम दलीलें हमारी सिर्फ जुबानी हो रही है लेकिन जो किसानों के लिए सिर्फ झूठी लॉलीपॉप दे दी जाती है झूठा आश्वासन दे दिया जाता है चाहे वो डीसी हो चाहे वो एसडीएम साहब हो कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जिससे कि ये लोग बहुत आक्रोशित हैं बहुत गुस्से में है और इनका ये भी कहना है कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता है हमें आश्वासन दे दिए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं होते तो हम इच्छा मृत्यु का वरदान दे दें फिर तो हम वो कर लेंगे कुछ तो हल निकलेगा चलिए अब जानते हैं कि हमारे साथ एक अन्य किसान है वो भी आए हैं हमारे साथ बैठे हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या दलील है अब आगे की उनकी क्या रणनीति है और वो क्या कहना चाहते हैं सर आपका नाम बंटी लम्बदार मैं काशन गांव से हूं जी। देखो जी हमें 118 दिन हो चुके हैं सरकार हमारी कोई नहीं सुन रही है इतनी ढीढ़ सरकार हमने कभी नहीं देखी हम दो योजना में सरकार के साथ जुड़े रहे थे लेकिन सरकार ऐसे करेगी तो सरकार से हम तो बहुत दूर हो जाएंगे जो अगर सरकार पिछली सरकार गलत थी तो हमने उसको हटा दिया अगर ये सरकार हमारे साथ गलत करेगी तो हम इसको भी हटाने का काम करेंगे हम छोटे छोटे जमींदार हैं उनको सरकार मार रही है कहीं कॉलोनियाँ कटी हुई है उसमें छोटे छोटे लोग रह रहे हैं थोड़ी बहुत जिसके पचास गजे सौ है वहाँ भी वो लोग रह रहे हैं सरकार कह रही है कि उनको भी इक्वायरमेंट करें क्योंकि ग्यारह दो हज़ार ग्यारह के बाद की कटी हुई कॉलोनी है अगर दो हज़ार ग्यारह के बाद की कटी हुई कॉलोनी है तो सरकार ने सरकार से उन जमींदारों ने स्टैम पेपर खरीदे हुए हैं और सरकार ने अगर सरकार ने ये पता था कि सेक्शन चार लगे ज़मींदारों को तो ये नहीं था कि भाई ये ज़मीन इक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी तो सरकार ने स्टैम्प पेपर क्यों बेचे उन जमींदारों से तहसीलदार पटवारी उसमें सब जुम्मेवार हैं उसमें या वो सभी कॉलोनियाँ छोड़ दी जाए और या अगर सरकार को ज्यादा ही जरूरत है तो हमारा आज का रेट का मुआवजा दिया जाए सरकार इस बात पे हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है एसडीएम साहब ने आकर वहाँ पर जब महा किसान पंचायत चल रही थी तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि कुछ ना कुछ मसला निकलेगा कुछ हल निकाला जाएगा तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे देखो जी एस साहब आए थे हमने सोचा था कि सरकार हमारी नहीं सुन रही प्रशासन हमारी मदद करेगा लेकिन इसमें तो प्रशासन और सरकार दोनों ही हमारे साथ गलत कर रहे हैं सर क्योंकि प्रशासन आश्वासन दे के चले जाता है कि तुम्हारा समय निश्चित हो गया तुम्हें सीएम साहब से मिलवाया जाएगा और सीएम साहब तुम्हारी सुनेंगे सी सीएम साहब तुम्हारी समस्या हल करेंगे लेकिन सी एम साहब ना ही आज तक हमारे पास कोई मैसेज आया कि तुम्हारे तुमको कल मिलना है आज मिलना है कब मिलना है और हमारी समस्या हल होगी या नहीं होगी या हमें मिल मिलाया जाएगा और सिर्फ लॉलीपॉप देके दे के वापस भेज दिया जाएगा तमाम अधिकारी आते हैं इस मसले पर बात करते हैं आप लोगों को शांत कराते हैं तो अधिकारियों के लिए आपकी क्या राय क्या कहना है क्या उनके लिए भी गुस्सा है आप देखो जी ऐसे अगर हमारे साथ ऐसे बार बार होता रहेगा तो हम तो अधिकारियों से भी परेशान और सरकार से तो परेशान है ही हैं लेकिन अधिकारियों ने ये सोचना चाहिए कि वो अपने बलबूते पे अपनी पढ़ाई करके अपने होनहार करके जब उस बलबूते पहुँचे सरकार तो पाँच साल की है अधिकारियों को सोचना चाहिए हमें सदा जनता की सेवा के लिए कार्य करना है तो अब आगे की रणनीति क्या है क्योंकि तमाम दलीलें सुन चुके हैं बहुत बार ऐसी बातें हो चुकी हैं जो अभी तक मान्य नहीं हुई है अब आप लोगों की आगे की जो रणनीति है वो क्या है जो सफल हो जाए या तो सरकार हमारी सुन लेनी रणनीति हम देखो जी हमारी खाप हमारे किसान खाप बनाई हमारी उत्तर दक्षिण ये हरियाणा की और उत्तर प्रदेश की और राजस्थान की सभी जितनी भी किसान कमेटी है सबसे संपर्क किए जा रहे हैं और सभी किसान कम्यूनिटियों से हमारे बहुत बढ़िया आश्वासन आ रहा है कि वो जब अब हम अब अगली पंचायत करेंगे उसमें सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने ट्रैक्टर वगैरह वगैरह जितनी भी किसान खाप है वो सभी आएंगे यहाँ चलिए अब पटवारी साहब का व्यू भी, भी जान लेते हैं क्योंकि अब इन्होंने कहा है कि जो एक खाब बनाने वाले हैं किसान महापंचायत फिर से होने वाली है तो क्या वो सफल हो पाएगी और कितनी सफल हो पाएगी क्योंकि अभी जो पिछले सप्ताह ये महा किसान पंचायत हुई थी तो उसके बाद तो कोई हल निकला नहीं तो अब पटवारी साहब से जानते हैं कि क्या इसके बाद क्या उसका हल निकल पाएगा और अगर सरकार नहीं सुनती है तो उसके बाद क्या चलिए पटवारी साहब आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे मेरे सवाल का जवाब दीजिए किस बारे में जी मैंने ये पूछा कि जिस तरीके से आप खाब बनाने वाले हैं अभी पिछले सप्ताह महा किसान पंचायत चल रही थी दिल्ली जयपुर हाईवे पर ठीक है तमाम तमाम अधिकारी आए तमाम लोगों से बात भी की आप लोगों को आश्वासन भी दिया लेकिन उसका हल क्या निकला क्योंकि फिर से आप महा किसान पंचायत करने जा रहे हैं एक बड़ी खाब बनाने जा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो कितना सफल हो पाएगा देखो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है सरकार तो साल दो साल की है लेकिन एक अफसर जो है लाइफ टाइम अफसर रहता है और उस प्रशासन को सरकार के प्रेशर में झूठ बोलना पड़े ये कोई अच्छी बात नहीं है उन अधिकारियों को भी अपने पद की गर्मा रखनी चाहिए क्योंकि उनको तो लाइफ टाइम रहना है अफसर रहना है उनको अपने पद की गर्मा रखना चाहिए और रही बात किसान खाप की किसान खाप में हम बीस लोगों से संपर्क साध चुके हैं और तीस तारीख को इसमें दिखा देंगे हम तो मंडे को ही इनको एक चमत्कार दिखा देंगे क्योंकि हमारे साथ झूठ बोला जा रहा है ऐसा झूठ क्यों बोलते हैं बात तो सच्चाई से होगी निर्णय तो सच्चाई से होगा जब इस सरकार को ऐसा डर क्या है कि जो हमसे डर डर के हमसे बात नहीं करना चाह रही जबकि हमने कहा था नौ तारीख को सीएम साहब से हमें मिलने का टाइम दिया जाए अभी तक ना कोई सूचना दी है और न ये अफसर क्यों झूठ बोलते हैं क्या सरकार का इतना दबाव होगा क्या प्रशासन कति इकट्ठा हो गया क्यों सरकार की बात मानेगा क्या प्रजातंत्र बिल्कुल लोकतंत्र खत्म खत्म कर दिया गया इन्होंने इतना प्रेशर तो गलत है इसका परिणाम इनको आने वाले चुनाव में भोगना पड़ेगा तो ये जो चमत्कार की बात चल रही है ये कैसा चमत्कार और क्या कुछ चमत्कार में होने वाला है चमत्कार में ये होने वाला है जी हम मंडे को रोड भी जाम कर सकते हैं या किसी प्रशासन के अफसर दर प्रशासन के ऑफिस को बंद कर सकते हैं क्योंकि इनको जब भी समझ में आती है ये लोग लातों की बात समझते हैं ये बातों की नहीं समझते हम अठारह नौ तारीख को रोड जाम करना था इन्होंने हमारे से झूठा आश्वासन दे दिया कि भाई हम आपको सीएम साहब से मिला देंगे और सीएम साहब से नहीं मिलवाया क्योंकि वो झूठ जुट, झूठा आश्वासन है ना तो इस जो माननीय एस डी साहब है मेरा उनसे और प्रशासन से अनुरोध है कि मीडिया के माध्यम से कि सरकार के आश्वासन में आकर कृपया झूठ ना बोले क्योंकि आपका तो लाइफ टाइम है ये तो सरकार दो साल की चली जाएगी फिर आने वाली नहीं है तो पटवारी साहब भी बहुत आक्रोशित है क्योंकि झूठे आश्वासन से हर कोई दुखी हो चुका है और फिर से एक महा खाप बनाने की इनकी तैयारी चल रही है तो अब देखने वाली बात जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस महा खाप को बनाने के बाद अपनी दलीलें ये रखेंगे तो ये कितने सफल हो पाते हैं बना खाप तो अब इनका कहना है कि इन्होंने खाब बना ली है तो ये खाब जो बन चुकी है अब इन्हीं से जान लेते हैं कि ये कब दोबारा से महाकिसान पंचायत करने जा रहे हैं और जिस घेराव की बात कर रहे हैं वो कब करने वाले हैं ये हमने गांव गायल बीस बीस तीस तीस आदमियों के संपर्क साध के किसान खाप के पर बीस हज़ार लोगों के आसपास का संपर्क कर दिया है हमने जिस दिन प्रधानमंत्री को भी अपने खाप किसान खाप के उस पर ही हमने ज्ञापन दिया था मिलने का समय मांगा था अभी तक प्रधानमंत्री जी से कोई नहीं आया और मुख्यमंत्री तो ऐसे सोच रहे जन तो इसकी दादा लाई चीज हो वो कहता है मेरी एक एक लाख की ज़मीन तो तैंतालीस लाख की होगी और हमारी पचपन लाख की जमीन के ग्यारह करोड़ की भी नहीं होती और वो ये हरियाणा का कर्जा उतारेंगे हमने कोई लिया हो जब इसकी सरकार बनी जब पचपन लाख करोड़ का कर्जा था आज डेढ़ लाख करोड़ का कर्जा है क्यों इतने ये तो बाबा जी लोग थे पर क्यों इतना खर्च कर रहे हैं ये ये तो कहते हैं हम अपना थैला उठाएंगे चले जाएंगे अरे गृहस्थी की भी सोचो क्योंकि इनके खुद के गृहस्थी है नहीं दूसरे कैसे सोच सकते हैं कौन बोलता है कि थैला उठाकर चले जाएंगे किसके बारे में कह रहे हैं मुख्य मुख्यमंत्री जी के बारे में वो कहता मैं तो अपना थैला उठाऊंगा चला जाऊंगा डेढ़ लाख करोड़ हरियाणा का डुबोगा और तुम्हारी जमीन बेचकर हरियाणा कर्जा उतारना है जो हमारी जमीन बिकेगी खरीदने के बाद खरी जो ये एच एस आई डी सी अब उससे हम तुम्हारा हरियाणा सरकार कर्जा उतारे हमने कर्जा लिया है हमारे बाप दादों ने लिया हमारे बच्चों ने लिया तो हम देने के लिए तैयार है तो आप अब जो आपका क्या कहना है कि आपको मुआवजा चाहिए क्योंकि कुछ लोग कहते इतना आक्रोशित इतना गुस्सा क्यों है आपके अंदर दो टूक में बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए देखो हमें दो टूक में बता रहे सरकार के विकास के खिलाफ नहीं है सरकार अगर विकास करना चाहती है हमारी जमीन आवश्यकता है तो हमें नियम अनुसार ग्यारह करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए अन्यथा हमारी जमीन छोड़ दी जाए अगर इनकी कैपेसिटी नहीं है ज़मीन लेने की जब जेब में कोई अठन्नी नहीं तो आप खरीदने क्यों जाते हो आप कोई पशु या गाड़ी खरीदते हो पैसे होते जब तो खरीदते जब इनके पास पैसे नहीं तो क्यों खरीदते पहले ही कर्जा में डूबा हुआ है हरियाणा और डुबाने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं तो सुना आपने ये काफ़ी गुस्से में है और उनका कहना है कि ना हमारी दलीलें सीएम सुनते हैं ना हमारी दलीलें पीएम सुनते हैं और पीएम तक तो हमें पहुंचने दिया ही नहीं जाने दिया होता है क्योंकि अब इनका जो आगे की रणनीति है वो महापंचायत करने की है खा बना चुके हैं और बहुत जल्द ये अपना जो गुस्सा है वहाँ निकालने वाले हैं क्योंकि इनकी दलीलें बिल्कुल भी असर अनसुनी करी जा रही हैं अब देखने वाली बात ये है सरासर जो निशान खड़ा हो रहा है वो सरकार पर खड़ा हो रहा है। क्योंकि दे दे। शांति से अपने घर जा लेकिन ये तो हो गया लेकिन अब इनका कहना है कि एसडीएम झूठी लॉलीपॉप दी जिन पर हमें इतना भरोसा था सरकार पर अब सरकारी ऐसे काम करेंगी तो हम बेचारे किसान कहां जाएंगे क्योंकि इनकी दलीलें साफ साफ ये है कि ज़मीन तो हम नहीं देंगे वो भी इतने कम दामों में नहीं देंगे क्योंकि हमें ज़मीन के बदले जमीन नहीं चाहिए अगर मुआवजा भी दिया जाए तो कम से कम इनकी मांग है ग्यारह करोड़ तो तमाम बातें हैं वो सुनी अब देखने वाली बात ही होगी कि आगे क्या कुछ रणनीति होती है आगे क्या कुछ होने वाला होता है तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि स्टूडियो में आज हमारे साथ किसान मौजूद थे जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी अपनी अपनी बातें कहीं तो इसी तरीके का हम आगे भी मुद्दा इनको उठाते रहेंगे दिखाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से चलिए अब यहाँ पर आप लोगों से विदा लेने का समय हो गया है क्योंकि समय का बहुत कम पाबंद है तो उसको देखते हुए आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगी तो इसी तरह की तमाम जानकारी जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज ब्रॉडकास्ट ट्वेंटी नमस्कार नमस्कार